हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मतलब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब कोई भी अगर इंसान कोटा में नया नया आता है और मान लो इमिडिएटली उन्हें मार्केट करने का मन हो या फिर कुछ भी, तो यहाँ पर एक नियम है, मीन्स रूल है कि हर महीने के लास्ट 28 तारीख को, मतलब लास्ट वीक में 28 तारीख को पूरा कोटा का मार्केट बंद रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी था, ज़रूरी है। अगर मान लो देखो मेरी 30 है आपका 30 को और मेरा 28 तारीख को शॉपिंग, अगर मैं आज तो बंद ही है, अगर कल का दिन बचा नहीं रहता तो मेरी तो शॉपिंग गई थी, पर कोई नहीं, अब एक दिन बचेगा मेरे पास तो हम जाके कर लेंगे उस दिन। बट इस बात का ज़्यादातर लोग ध्यान रखें कि 28 तारीख को मार्केट यहाँ का बंद रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अब मेरा लंच, डायरेक्टली आज हम लोग लंच बना रहे, सॉरी लंच नहीं, लंच बना रहे हैं। और लंच में बना है आज दाल भात और कुदरी आलू का भुजिया, बन गया है मेरा और अब हम लोग खाएंगे। मैं दीपू बाबू का वेट कर रही हूँ, उनकी आदत हो थोड़ा लेट से खाते, आज संडे है तो जिसकी वजह से वो कहीं जा भी नहीं पाए। हम लोग जाने वाले थे अपने भगना रंग के पास, बट वो भी आज कैंसिल हो गया क्योंकि कोटा बंद है। संडे है लेकिन कोटा बंद है, पूरा मार्केट ही बंद है, तो शायद ही आज हम लोग जा पाए। और बाकी देखते रहो आप सब मेरी वीडियो को, कंटिन्यू बने रहो और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। सो गाइस, अब हमारा लंच ख़त्म हो गया और अब मैं जा रही थोड़ा पढ़ाई करने, उसके बाद मतलब लंच मेरी ख़त्म हो गया और दीपू बाबू चले गए हैं बाबू के पास। सो अब जा रही थोड़ी पढ़ाई करने, बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बनाने के लिए, मैथ बनाने के लिए। सो पढ़ाई करते हैं, अभी लगभग टाइम हो रहा है 3:30, तो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर उठेंगे लगभग 5:30 या 6 बजे तक। ओके, अब मेरी पढ़ाई की टाइमिंग ख़त्म हो गई है, मीन्स लगभग 7 बजने वाला, और दीपू बाबू भी आ चुके हैं बाबू को सारा सामान देकर। और क्या, हाँ दीपू बाबू आते ही फरमाइश कर दिए कि आप बनाइए मैगी। सो अब हम जा रहे हैं मैगी बनाने। और एक बात गाइस, जो सुबह मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोटा में 28 तारीख को मार्केट बंद रहता है, सॉरी गाइस, वो एक्चुअली पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था, अधूरा इन्फॉर्मेशन था। मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब बंद होता है लेकिन अलग अलग जगह, जैसे 28 तारीख को हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बंद होती है, वो वाली एरिया बंद होता है, दूसरे तारीख मतलब 25 या 26 को दूसरे जगह, तो इस टाइप करके मतलब होता है। ओके, बट कोई न्यूज़ के लिए सॉरी। और अब हम सारे मैगी बनाने, और मेरा मेहंदी भी मुझे खुद लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ब्यूटिशियन से बात की तो वो बोली मेहंदी मैं नहीं लगाती, तो मुझे खुद लगाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, अभी चलते हैं, पहले मैगी बनाते हैं और खाते हैं क्योंकि मुझे भी भूख लग गया, सुबह का दाल भात भुजिया भी है तो थोड़ा बहुत वो भी खा लेंगे और मैगी भी बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं मैगी बनाना। अब हम काट चुके हैं अपनी मैगी का सारा कुछ, मीन्स प्याज, टमाटर, मिर्ची और पत्ता गोभी। बहुत दिन के बाद हमारे रूम में पत्ता गोभी आया है। यहाँ पर पत्ता गोभी ऐसा मिलता है ना जैसे लगता है कि एकदम छोटा सा और सूख के एकदम छोटा छोटा सा, और बहुत महंगा भी, इसलिए अभी पत्ता गोभी आज थोड़ा अच्छा था, मीन्स अच्छा लग रहा है ये देखने में, थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो इससे भी बेकार पत्ता गोभी यहाँ मिलता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है। सो आज मैंने मैगी में थोड़ा पत्ता गोभी डालने की कोशिश की, दिखाती हूँ मैं ना, मैं सब कुछ काट चुकी हूँ, प्याज मिर्ची और इधर पत्ता गोभी, इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है मेरा फटाफट, आज बड़ी वाली कढ़ाई में मैगी बनाएंगे हम क्योंकि दीपू बाबू को भी खाने का मन है और मुझे भी। पहले बनाते हैं और फिर दिखाते हैं, है ना। कढ़ाई गर्म हो गया ऑलमोस्ट, मैं दोनों दो दो किस्म की मैगी को ऐड करके बनाऊँगी, एक आटा नूडल्स और एक ये है, इसके पूरे ख़त्म हो गए, अब थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें तो इसको भी डाल देंगे, और ये भी एक पैकेट है तो उसको एक पैकेट सारा खत्म कर देंगे। आयरन नूडल्स बनाते हैं ना विथ मैगी मसाला। फिर मैंने प्याज और मिर्ची डाल दिया है, बस दोनों पहले थोड़ा फ्राई हो जाए। और इधर मैगी निकाल लिया है, और थोड़ा मैगी निकालेंगे। इधर मेरा मैगी का वो मसाला ऐसा लग रहा है चटपटा सा, चटर पटर करके पूरा फ्राई हो रहा है, मस्त डिलीशियस दिख रहा है, अभी से ही बनेगा तो पक्का डिलीशियस होगा उस दिन की तरह। उस दिन भी मेरा मैगी इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया खाने, और आज भी लग रहा है कि मस्त ही होगा, इतना सारा भर प्लेट हो गया, दो जन के लिए काफ़ी होगा। और मेरे पास थोड़ा सा राइस और दाल, राइस पल्स और भुजिया भी है फ्राई, तो वो भी खाना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट हो चुका है और
और मतलब मैगी भी कम्प्लीट हुई, अभी मसाला डालना बाकी है। मैगी का फ्राई कम्प्लीट हो गया, अब इसमें मैगी का जा दो, मैगी मसाला डालेंगे और फिर फिनिश हो जाएगा। तो इसको पहले डालते हैं। गाइस मेरा स्पेशल मैगी तैयार हो चुका है, एकदम मस्त और लजीज भी। तो चलिए टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि मेरा मैगी कैसा बना है। तो गाइस हम लोगों को मैगी खाकर आया मज़ा, और उसके बाद फिर से बनाना पड़ा मुझे खाना, बार बार बनाना, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, ऐसा ही होता है हस्बैंड लोगों का फरमाइश, ये बनाइए वो बनाइए। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, पहले मैगी बनाया, फिर उसके बाद गोभी आलू की सब्ज़ी बनी और फिर रोटी, और उसके बाद हमारा डिनर कंप्लीट हो गया। हम लोग डिनर कर चुके हैं और अब मैं जा रही मेहंदी लगाने, और वो भी खुद से, समझ में मुझे मेहंदी में मतलब मेहंदी लगाना नहीं आता, बट मैं ट्राई करूँगी कि अच्छा लगे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। और अभी रात का 10:30 बजे होना है, ऑलमोस्ट 10:20 हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना, और उसके बाद देखते हैं मैं कैसा लगा पाती हूँ। बाकी जब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मेहंदी का वीडियो मैं डाल दूंगी, बट बाकी इतना ही। इस वीडियो में देख रहे हो मेरी वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेटर। के लिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।
मुझे मेहंदी लगाते लगाते बज गया 12, वही मैं दिखा दिया आपको इशारे में 12, और अब मैं सोने जा रही, 12 बज गया था मुझे मेहंदी लगाते लगाते, और अब मैं सोने जा रही, बाय।